Hello everyone, welcome back to another episode. And today is the special lesson for viewer, and it is especially for those candidate who appearing and preparation for Beltron exam. दोस्तों देखिए, आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक पोस्ट डाल रखा था कि दोस्तों ये इसको इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा. और इस वीडियो में काफ़ी सारे ऐसे नए अपडेट हैं मैं जिसको बताने वाला हूँ. सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो. अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आपको जो नई अपडेट आई है और इससे इस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होने वाला है आप लोगों को, तो प्लीज़ इस वीडियो को मैं प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा अंत देख देखिए, ताकि आपको इस अपडेट से जानकारी मिल सके. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. वेलकम बैक टू माई चैनल स्पाइनेट गुरु जी, और मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट रविचंद्रा. दोस्तों देखिए, आज का जो ये वीडियो है और ये जो लेसन मैं लेके आया हूँ, इसको काफ़ी ज़्यादा एक मैंने इस पर गौर किया है और देखा है. इसमें मैंने रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को मैंने आपके सामने ला रहा हूँ, और काफ़ी सारे अध्ययन करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, कि जो जितने भी पॉइंट्स हैं मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कन्फ्यूजन मत रखिए. ठीक है, बट कुछ लोग हो सकता है कि हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं, तो अगर हमारे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में मैं वहाँ पे दे दूँगा. आप वहाँ से हमारे सभी वीडियो को और हमारा चैनल पे विजिट कीजिए. आप वहाँ पे हमारे सभी जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए. ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट में स्पेशली बना रखा है बेल्ट्रॉन और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बारे में. ठीक है, तो देखिए आज का जो वीडियो वो खास होने वाला है कि दोस्तों जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं बेल्ट्रॉन और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, मैंने ये आपको बताया पहले भी, बट इस बार भी बता रहा हूँ कि आपके पास सही सिलेबस अभी भी नहीं है. बहुत लोग ऐसे हैं कि सर इसका बुक मिलता है नहीं मिलता है, सर इसका कोई किताब है, सर इसका कोई PDF है, सर इसका कोई वेबसाइट है जहाँ पे पढ़ा जाए. तो देखिए, इसका जो खास तौर से कुछ ऐसा बनाया नहीं गया है. ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लिए जितने भी व्यूअर हैं मैं उसके लिए एक थोड़ा सा वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ. ठीक है, तो मैं वो भी बता दूंगा, आप वहाँ से इजीली किसी भी अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तो कर सकते हैं. तो उसके बाद बात होगा सैलरी. काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में थे कि सर सैलरी बेल्ट्रॉन का बेहतर होता है या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का बेहतर होता है. तो देखिए, इसमें थोड़ा सा अगर सैलरी इंक्रीमेंट की बात की जाए तो बेल्ट्रॉन की सैलरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है. ठीक है, बट इस बार क्या किया गया है कि आप अगर आप लोग ऑफिशियल न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते भी हैं BPSM का, तो वहाँ पे हाल फिलहाल में यही ये की बात है कि हाल फिलहाल में सभी कार्यपालक सहायकों का जो सैलरी का इंक्रीमेंट है वो बढ़ा दिया गया है. ठीक है, उनके कार्य अवधि को देखने के बाद. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिगिनर हैं तो उनको वो पिछले वाले और जो जूनियर और सीनियर का थोड़ा सा इसमें दायरा रखा गया है, उसके बाद ही उनका इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, और उसके बाद आती है बात की सर CBT लैंग्वेज का. ठीक है, तो CBT लैंग्वेज के लिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारी अगर पिछली वीडियो को आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके देखिए. मैंने उस वीडियो में पहले ही क्लियर कर रखा है कि देखिए CBT का जो लैंग्वेज होगा, CBT जो समझ में नहीं है जिनको आ रहा होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है कि जितने भी टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे वो कंप्यूटर के ऊपर ही किए जाएंगे. तो CBT में जितने भी आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस चुनने के लिए दिया जाएगा तो दो ही लैंग्वेज आपको मिलेगा. ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश. ठीक है, तो दोनों में से जो कंफर्टेबल है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बाकी सिलेबस के आधार पर ही उनका क्वेश्चन उसमें रहेगा. ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि CBT में दो ही लैंग्वेज होने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश. ठीक है, उसके बाद में फोर्थ नंबर पे है हमारा जो सिलेबस अपडेट में, कि वो टाइपिंग है. ठीक है दोस्तों, देखिए टाइपिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे लोग नर्वस हैं. ठीक है, कि टाइपिंग कब लिया जाएगा, टेस्ट के दिन लिया जाएगा, कि उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग से एडमिट कार्ड जारी नहीं होने वाला है. और टाइपिंग स्पीड क्या होगा, ठीक है, मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 25+ होना चाहिए इंग्लिश और 25+ हिंदी. ठीक है, बाकी अब उनकी मर्जी, उन लोगों का क्या एक डेडलाइन रखते हैं टाइपिंग के लिए, बट आप लोग 25-25 दोनों में आप लोग तैयारी करके रखिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. और टाइपिंग के लिए एक थोड़ा सा
थोड़ा सा टिप देना चाहता हूँ कि आप लोग टाइपिंग से रिलेटेड कभी भी नर्वस ना हो, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो टाइपिंग देने जाते हैं, ठीक है। हमारे कुछ स्टूडेंट हाल फिलहाल में देख करके आए हैं, तो वो होता क्या है कि टाइपिंग तो यहाँ पे उनका ग्रोथ मैं सामने मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा है, 42, 48, 50 के करीब, बट वहाँ जाने के बाद टेस्ट में जब उनका रिजल्ट मिलता है तो वहाँ पे रेशो काफ़ी नीचे दिखता है कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये 42 स्पीड वाला लड़का आखिर में इसका 30 या फिर 28 कैसे आ रहा है, हाउ इट्स पॉसिबल। तो आप इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आप उस इन्वायरमेंट में जाके नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। आपको बस फोकस ये करना है कि आपको सिर्फ 5 मिनट आपको फोकस करना है, दिमाग लगाना है, ये लगाना है कि हम लोग जैसे प्रैक्टिस करते हैं आप टाइम के ऊपर देखिए ही नहीं, ठीक है। आप लोग जैसे प्रैक्टिस करते हैं, एक बार थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए और उसके बाद भूल जाइए कि हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं, एंड देन स्टार्ट। उसके बाद देखिए कि आपका 110% हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट कुछ उतना रेशियो नहीं नीचे आएगा जितना आप जैसे कि नर्वस होके अगर आपका आएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर नर्वस मत होइएगा। तो टाइपिंग में ध्यान दीजिए, इसी के ऊपर ही बेल्ट्रॉन का सिलेक्शन होता है। CBT जस्ट आपका फॉर्मेलिटीज होता है, आप लोग बस टाइपिंग पे फोकस कीजिए। बट इसमें ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई तो सब लोग कर जाएंगे, आपका CBT में 110% 90% लड़के क्वालिफाई करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ होगा? प्रॉब्लम आपका टाइपिंग में होगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो टाइपिंग में डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग स्पीड मस्ट है, क्लियर। उसके बाद में ओवरऑल मैं सभी के मैं जो जितने टॉपिक हैं सबके बारे में बात करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग नर्वस मत होइए, समय है अभी भी। ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कमेंट में कि सर अब हमारे पास हिंदी टाइपिंग है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है, तो क्या करें हम। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए, अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अभी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, अभी से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद अभी आप लोग के पास मिनिमम 1 मंथ मैक्सिमम तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी भी एडमिट कार्ड का घोषणा हो जाए, बट आपके पास 1 महीने का टाइम है। आप 1 महीने में आप लोग एक अच्छा खासा आप क्वालिफाई करने के लिए टाइपिंग का लेवल जो है वो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइपिंग कैसे बढ़ाएं इसका एक मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई चमत्कार कर दीजिए और 7 दिन में आप लोग 30 वर्ड का आप लोग का स्पीड हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। कहीं अगर वीडियो में दिखता भी है तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करिए, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर होता तो सभी लोग हैंड आज तक के 100, 150, 200 का स्पीड सबका होता, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग टाइपिंग को मैं एक अच्छा सा टिप्स बताऊंगा कि कैसे करेंगे, 30 नहीं आएगा बट आप लोग इतना हो जाएंगे कैपेबल कि आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई ज़रूरी नहीं है, जो 50 करेगा वो भी क्वालिफाई होगा, और जो उनका एक डेडलाइन है, जो उनका एक दिया हुआ दिशा निर्देश है, सूचना है, उनके थ्रू अगर भी आप टाइपिंग करेंगे कि अगर 25 लाना है या 20 लाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 20 लाना है। हम ये दिमाग में क्यों रखें कि हमको 50 लाना है, 60 लाना है, 80 लाना है, इससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब बात रही कि पोस्टिंग के ऊपर कि अब ये थोड़ा सा मैटर डिपेंड कर जाता है कि जिनका स्पीड अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो उनकी पोस्टिंग हो सकती है कि किसी अलग अलग अच्छे विभाग में हो सकती है, बट मैं ये उनको बता रहा हूँ कि जिनके पास टाइपिंग है ही नहीं, ठीक है, तो उनके लिए ये टिप है कि आप लोग प्लीज़ फोकस कीजिए वहीं पे जहाँ पे आपको करना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से हमारे किसी भी व्यूअर का जो सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम, मैं उसे आसानी से कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से बने रहे हमारे चैनल के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा और देखते रहिए हमारा ये चैनल स्माइनेट गुरुजी, और प्लीज़ सब्सक्राइब, हेल्प अस, एंड बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड बाय।